राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे फ्रे रोड सागर मध्य प्रदेश। सागर के सराफा एसोसिएशन की नए कार्य प्रणाली के लिए एक लंबे अंतराल बाद लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर युवा सराफा व्यवसायी और भाजपा नेता विक्रम सोनी बरिया वाले ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पटकनी देकर जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद हासिल किया। सागर सराफा एसोसिएशन के नव निर्वाचन अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री पद के लिए तकरीबन 21 वर्ष बाद एक बार फिर निर्वाचन के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मतदान कराया गया, जहां तकरीबन 2000 मतदान वाली एसोसिएशन के ज्यादातर सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हुए मतदान किया और अपना नया अध्यक्ष चुना। इस चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला अध्यक्ष पद पर रहा, जहां युवा चेहरे के रूप में विक्रम सोनी ने मैदान में ताल ठोकी तो उनके सामने वरिष्ठ अनुभवी संतोष सोनी मारुति प्रतिद्वंदी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे, जहाँ मतदान निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें तकरीबन 1600 सदस्यों ने मतदान किया। तदुपरांत चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में मतगणना संपन्न कराई गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर विक्रम सोनी ने 147 मतों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को मात देकर विजय श्री हासिल की, जिसके साथ ही कुछ अध्यक्ष और मंत्री पद के विजय उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान हुआ, जिसमें युवाओं के हाथों सराफा एसोसिएशन की कमाल सौंपी। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले युवा व्यवसायी विक्रम सोनी के अध्यक्ष पद पर दावेदारी के बाद से ही उनकी जीत के कयास लगाना शुरू हो गए, जिस पर हुए निर्वाचन प्रक्रिया के बाद मोहर भी लग गई। राजनीति समाज सेवा में सदैव सक्रिय रहने वाले शिक्षित युवा विक्रम सोनी के मिलनसार व्यक्तित्व के चलते उन पर सराफा व्यवसाय से जुड़े सदस्यों ने अपना भरोसा जाहिर किया, जिनसे अब एसोसिएशन को काफी उम्मीद है और आशा की जा रही कि वह इस कसौटी पर खरा भी उतरेंगे। जिस हिसाब से चुनाव हो रहा है, कैसी मतदान हो रहा है और चयन प्रक्रिया क्या है? चुनाव प्रक्रिया जो है वो चल रही है और इसमें मतदान प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उस हिसाब से चुनाव किए जा रहे हैं। सन 1992 में इसके पहले ऐसे चुनाव हुए थे, उसके बाद आज 23 मार्च 1921 में हो रहे 23 मार्च 2021 में इसी माध्यम से चुनाव हो रहे हैं। कौन कौन सी पद पे चुनाव हो रहे हैं? तीन पदों पर चुनाव हो रहे हैं। सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष, सराफा एसोसिएशन के मंत्री, सराफा एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष, बाकी कार्यकारिणी बाद में गठित होगी। तीन पदों के चुनाव अभी हो रहे हैं। ये वोटिंग कब खुलेंगी? आज ही रात में इसको डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट। 7 बजे के बाद इसकी गिनती चालू होगी और जितना टाइम लगेगा उसके बाद इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कितने लोग हैं आपके समाज में जो वोटिंग कर रहे हैं? ये सराफा एसोसिएशन है, इसमें समाज का कोई काम नहीं है। सराफा एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो लगभग 1891 हैं। जितने परसेंट वोट होगी उसके हिसाब से लगभग 1500 के आसपास होना चाहिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं जी? क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम पवन जड़िया, चुनाव अधिकारी। मेरे साथ में दो चुनाव अधिकारी और हैं, श्री क्रांत कुमार सराफ, श्री हरगोविंद जी।